कोई और बेटा भी चल रहा था। देखिए आज सुबह थाना औद्योगिक क्षेत्र से सूचना मिली थी कि 12 वर्षीय अनुराग यादव, उनकी जो बालक है, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। तत्कालीन सूचना पर यहां पर स्थानीय पुलिस और सभी पुलिस अधिकारी एवं हमारी फॉरेंसिक टीम पहुंची है। जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे कि मृत्यु के सही कारण और सही समय का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक पूछताछ में ये घर वालों ने बताया है कि कल देर रात अपनी बहन के साथ जो गांव के अंदर का एक मढ़ा है वहां पर गया हुआ था, और उसके बाद से ही ये जो है निर्जीव मिला इन लोगों को, जिसके बाद से ये लोग इन्हें चिकित्सकीय इलाज के लिए भी ले गए थे, लेकिन वहां पे इन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। सर, जो बहन है वो बताया जा रहा है कि शव के पास पाई गई थी, तो क्या कुछ निकल कर आया है? जो घर वाले हैं उनसे बातचीत की जा रही है, हर पहलू पे जांच की जा रही है, और घर वाले अगर किसी के बारे में बताते हैं कि उन किसी पे शक जाहिर करते हैं तो उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, और भली भांति इसका जो है पोस्टमार्टम परीक्षण के बाद ही अग्रिम जो भी। आप किसकी पत्नी हैं? बगल ये वाला था, गिर गया था, कोई रुख नहीं था, फिर चिंता चिंता कहीं व्यवस्था किए थे, बरसात बाद बनेगा। कितने बजे घर से निकला बच्चा? लगभग साहब 12:30 और एक लपेट में। आपने दोनों इधर आ जाइए। कोई और बेटा भी चल रहा था, क्या हुआ था? आप किसकी पत्नी हैं? बगल बगल।